वेयर आर द एलियंस, वेयर इज एवरीबडी? नोबेल लॉरिएट एनरिको फर्मी ने लंच टाइम में ये सवाल कैजुअली पूछा था। उन्हें तब जरा भी अंदाजा नहीं होगा कैजुअली पूछा गया ये सवाल 75 सालों के बाद भी साइंटिस्ट को सर खुजलाने में मजबूर कर देगा। फर्मी पैराडॉक्स के ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे जो एलियंस को देखने के नजरिया ही बदल देंगे। हमारा सोलर सिस्टम यूनिवर्स के कंपैरिजन में अभी काफी यंग है, लेकिन ब्रह्मांड में कई ऐसे सोलर सिस्टम्स भी होंगे जो हमसे काफी पुराने होंगे, जहां हमसे कई गुना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिविलाइजेशंस होंगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हम आज अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो उन्होंने बहुत पहले ही अचीव कर लिया होगा। इन एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन के लिए इंटरस्टेलर में ट्रेवल करके हमारे तक पहुँचना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। फिर भी आज तक ना किसी एलियन ने ना उनके किसी वॉयेजर जैसे स्पेस प्रोब ने हमें विजिट किया। आखिर ऐसा क्यों, क्या रोक रहा है उनको हमसे मुलाकात करने में? ईयर 1961 में एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक एक ऐसा फॉर्मूला लेकर आए जिससे ये एस्टिमेट कर सके कि हमारे गैलेक्सी मिल्की वे में ऐसे कितनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिविलाइजेशन है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ड्रेक इक्वेशन में जब वेरिएबल्स की वैल्यू डालकर सॉल्व किया गया तो जो नंबर सामने आया उसने सबको चौंका दिया। इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें पता चला कि हमारे आसपास लगभग 10,000 एडवांस सिविलाइजेशंस रहती है। आपने सही सुना, 10,000। आपको मालूम है यहाँ सबसे मजे वाली बात क्या है? ये जो भी इक्वेशंस और फॉर्मुलेशंस इंट्रोड्यूस करे गए ये उस टाइम के हैं जब हमें ये भी नहीं पता था कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी कोई प्लेनेट मौजूद होगा। पहला एक्सोप्लेनेट 1992 में डिस्कवर हुआ और तब से लेकर आज तक 5,000 से भी ज्यादा एक्सोप्लेनेट्स डिस्कवर हो चुके हैं। एस्टिमेटेड है कि हमारे गैलेक्सी में ही करोड़ों प्लेनेट्स मौजूद हैं, जिनमें से पोटेंशियली हैबिटेबल प्लेनेट का अगर एक छोटा सा भी फ्रैक्शन ले ले तो भी वो नंबर हजारों में आ जाएगा दोस्तों। इससे एक बात तो क्लियर है, हमारी सोच जिस डायरेक्शन में जा रही है वो कहीं से भी गलत नहीं है। अब एक बार फिर से वही सवाल सामने आता है कि कहाँ है वो 10,000 एडवांस सिविलाइजेशंस? वो एलियंस हमसे संपर्क क्यों नहीं करते? फ्रेंड्स, फर्मी पैराडॉक्स 1950 में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन इससे बहुत पहले 1933 में ही रशियन साइंटिस्ट कॉन्स्टेंटिन सियोलकोव्स्की ने ऐसे ही मिलते जुलते सवाल पूछे थे। कॉन्स्टेंटिन ने अपने सवालों का जवाब खुद ही दिया, एलियंस हमसे क्यों नहीं मिलना चाहते, उन्होंने इसके कई कारण बताए। वही फर्मी पैराडॉक्स का जवाब 25 साल के बाद अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट माइकल हार्ट ने 1975 में पहली बार दिया। इन दोनों ही सॉल्यूशन में कुछ ऐसे कारण बताए गए जो बेहद डराने वाले हैं। माइकल हार्ट ने ईयर 1975 में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी जर्नल में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि आउटर स्पेस से आया कोई भी इंटेलिजेंट एलियन आज के समय हमारे पृथ्वी पे मौजूद नहीं है। इतने मजबूती से अपना दावा ठोकने के पीछे उन्होंने दो तर्क दिए, पहला ये कि एलियंस हमें विजिट ही नहीं करना चाहते हैं, और दूसरा कि एलियंस हमारे पृथ्वी को ऑलरेडी पास में विजिट कर चुके हैं जिसकी भनक हमें आज तक नहीं लगी। सोच के देखिए कितना अजीब लगता है, राइट? अगर इससे भी आपको डर नहीं लगा तो कॉन्स्टेंटिन के सॉल्यूशन को देखिए। फादर ऑफ एस्ट्रोनिक्स कहलाने वाले कॉन्स्टेंटिन सियोलकोव्स्की एलियन पे बिलीव करने के साथ साथ स्पेस ट्रेवलिंग में स्ट्रॉन्गली बिलीव करते थे। उनका एलियंस पे यही विश्वास था जिसने जू हाइपोथेसिस की नींव रखी। रेडियो एस्ट्रोनॉमर जॉन बॉल ने 1973 में जू हाइपोथेसिस से ये समझाने की कोशिश करी कि क्यों एलियंस हमें विजिट नहीं कर रहे हैं। उनका मानना है कि एलियंस हमसे जानबूझकर संपर्क नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि हम उस लायक ही नहीं हैं। बड़ी बेइज्जती है, एलियंस हमसे टेक्नोलॉजिकली बड़े एडवांस्ड हैं, ऐसे में वो हमें इंफीरियर और प्रिमिटिव समझकर इंटेंशनली अवॉइड कर रहे हैं। इसे कॉमन लॉजिक से समझिए, जरा सोचिए फ्रेंड्स, पिछले 100 सालों में हमने कितनी एडवांसमेंट्स कर ली है, नैनो टेक्नोलॉजी से लेकर एरोस्पेस तक हम कितने एडवांस हो गए हैं। हम सभी के हाथों में आज इतनी एडवांस सेलुलर टेक्नोलॉजी है, 25 से 30 साल पहले हमने सोचा भी नहीं था। यहाँ से करोड़ों साल बाद हम कितने और एडवांस हो चुके होंगे, जरा सोचिए। एग्जैक्टली वही सिचुएशन आज के समय कई सारे टेक्नोलॉजिकली एडवांस एलियन सिविलाइजेशन की होंगी जो हमसे करोड़ों साल पहले आए होंगे। ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिविलाइजेशन हम पे दूर से ही नजर बनाए हुए हैं। जैसे जू में हम एनिमल्स की हरकतें दूर से ही देखते हैं, वैसे ही एलियंस भी हमारे एक एक हरकत पर नजर बनाए हैं। अगर ये सच है फ्रेंड्स तो वो अभी भी हमें देख रहे होंगे। मैटी यानी मैसेजिंग एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सिर्फ इसलिए बनाया गया
किया ताकि वो अलग अलग तरीके से एलियन से संपर्क करने की कोशिश करे, जैसे कि रेडियो वेव्स, ऑप्टिकल सिग्नल्स, कोडेड मैसेजेस, ब्रॉडकास्टिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैसेजिंग का मेन ऑब्जेक्टिव एलियन को बताना है कि हम भी अब टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिविलाइजेशन हो चुके हैं और आपसे मिलने के लिए बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, हम मैटी के अलावा और भी बहुत तरीकों से एलियन से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि वॉयेजर स्पेस प्रोब्स के साथ हमने 2 गोल्डन रिकॉर्ड्स भेजे हैं जिसमें 55 अलग अलग भाषाओं में एलियंस को ग्रीटिंग्स भेजी गई हैं। इसके अलावा रेडियो पे, टेलीविजन पे, यहाँ तक कि इंटरनेट पे मेल करके उनसे संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ इंसिडेंट्स जैसे कि वाउ सिग्नल्स, यूएफओ साइटिंग्स को अगर हम छोड़ दें तो आज तक हम एलियन से संपर्क करने में सफल नहीं हो पाए हैं। इससे 2 बातें समझ में आती हैं, या तो हमारा संपर्क करने का तरीका सही नहीं है, या तो एलियंस हमसे कभी ना संपर्क करने में ही अपनी भलाई समझते हैं। उनको डर होगा कि कहीं हम उनको नुकसान ना पहुंचाएं या फिर उनको अपना गुलाम ना बना लें, कहीं चाइनीज उनका सूप बनाकर उनको छठ ना कर जाएं। फ्रेंड्स, आपको नहीं लगता इसका उल्टा भी हो सकता है? लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर वो हमसे ज्यादा सुपीरियर हैं तो हम क्या वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? कई साइंटिस्ट इंक्लूडिंग स्टीफन हॉकिंस ये मानते हैं कि हमें अपने प्रेजेंस के बारे में ऐसे ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहिए। दूर अगर कोई एडवांस्ड अनफ्रेंडली सिविलाइजेशन होगी तो वो अर्थ पर आकर अर्थ को इन्वेड कर लेगी, हमारा एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ जाएगा। क्यूरोसिटी कभी कभी अच्छो अच्छो को ले डूबती है, कहीं ऐसा हमारे साथ भी ना हो जाए। आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या हमें सचमुच ऐसा खतरा हो सकता है? क्या अपने होने का यूं शोर मचाना चाहिए या चुपचाप रहना चाहिए जिससे किसी को हमारे प्रेजेंस का पता ना लगे? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वाले वीडियो को भी देखिए, ये भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा।